हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है, अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो आज मैं लेके आई हूँ एक पहाड़ी डिश, चौंसा। ये उड़द दाल से बनती है। उड़द को चाहे दली हुई दाल से बनाओ या साबुत से बनाओ, स्वाद सेम ही आता है। तो अब मैं इसे पीस लूँगी और इसको बिल्कुल पतला भी नहीं करेंगे, हल्का दरदरा रखेंगे। और निकाल लेती हूँ मैं एक बर्तन में। तो मैंने ये टमाटर अपने गार्डन से निकाला है, पकने शुरू हो गए हैं। तो इसमें डालेंगे दो तीन छोटे छोटे टमाटर, प्याज, लहसुन। टमाटर देखो कितना रसीला है। और चौंसा जो है लोहे की कढ़ाई में बहुत स्वादिष्ट बनता है, तो हम लोहे की कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। कम तेल डालना है पहले, और इसको हींग के साथ मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से, जब तक कि इसमें एक सौंधी सी खुशबू ना आ जाए। तो इसका देखो कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और अच्छे से खुशबू भी एक आ रही है। और इसको मैं निकाल लूँगी एक अलग बर्तन में। तो ये मैंने निकाल दिया है अलग बर्तन में, और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें जखिया, जीरा और धनिए का तड़का। बेसिक से मसाले हैं, कुछ भी अलग नहीं डालना है, मेरे मिक्स मसाले हैं। तो इसको हम ब्राउन होने तक डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और प्याज, और इन्हें भी ब्राउन होने तक भून लेंगे। और प्याज जो है मेरे ब्राउन हो चुके हैं। अब चौंसा जो ठंडा होने रखा था वो उसमें मिला दिया है मैंने। थोड़ा देर इसको भूनूंगी मैं इसमें, और इसमें डालूंगी मैं टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा देर इसके साथ भूनेंगे, और इसमें मिलाएंगे नमक। नमक डालने के बाद इसमें साथ ही मैं मसाला भी ऐड कर दूंगी। और मेरे मसालों में सिर्फ धनिया, हल्दी और मिर्च ही है। मिर्ची मैं कम ही डलवाती हूँ, बच्चे मिर्ची ज़्यादा खा ही नहीं पाते हैं। तो मसाले डालने के बाद इसे भी थोड़ा देर भून लूँगी। पाँच मिनट भूनने के बाद दो गिलास के करीब तेज गरम पानी, और इसको मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। और यहाँ पर आ गई है तासू, जो कि डिस्टर्ब कर रही है। तू वीडियो में दिख रही थी, और देख तू क्या कर रही है। और यहाँ पर जो है मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, और पानी डालने के बाद इसको मैं 15-20-25 मिनट तक मैं इसे धीरे आंच में पका रही हूँ। और ये कुछ पकने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत टेस्टी लगता है ये। और ये देखिए पक के तैयार हो गई है मेरी थाली। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।